पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठोलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे, यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे, यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा, और सोचिए लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों दिव्यांगों की यात्रा सुखद होंगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशंस। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशंस, और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को, देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियाएं और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन, भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद।